अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। हड़ताल चल रही, क्या कुछ पूरा मामला है? ये इसलिए कि ड्राइवरों के लिए हड़ताल, और ये इसका मामला ये है कल एक्सीडेंट का अगर कुछ होता है ड्राइवर के से 10 साल की सजा, 7 लाख जुर्माना, तो ये कब तक करेंगे? 500 की नौकरी में इतने का पैसा दे पाएंगे क्या? इसलिए हड़ताल जारी है। ये जब तक ड्राइवर नहीं होगा इसका जब तक कुछ नहीं होगा। गाड़ियाँ भी खड़ी कर दी है, वो सारे ड्राइवर भाई लोग हमारे पास जा रहे हड़ताल पे बैठे। कौन कौन सी गाड़ियाँ बंद है? सारी गाड़ी इंदौर के बाद ऑल इंडिया गाड़ियाँ बंद है। आपका परिचय? मेरा नाम मनोज कुमावत। कहाँ जाने के लिए आए हैं सर? क्या लगता है आज हड़ताल है, किस तरह की हड़ताल है? अच्छा, आपको पता नहीं था कि हड़ताल है? नहीं, तो आप कैसे जाएंगे? आप परेशान हो रहे हैं ऐसा? तो ऐसे कितने सारे लोग परेशान हो रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे आप? अभी तो फिलहाल तो कुछ भी नहीं बोलना चाहूँगा। अच्छा ठीक, ट्रेन पे खड़े हैं, उज्जैन जाना मेरे। तो क्या क्या कहना चाहेंगे? देखो हड़ताल चल रही है और सरकार का क्या कुछ निर्णय था, किस लिए हड़ताल है? हड़ताल वो अभी एक्सीडेंट के हिसाब से हो गई थी ना, तो सरकार का भी सही कहना है क्योंकि वो अपने लिए कर रही ना, लोगों को सीख मिलेगी उससे, तब जाके ये सुधरेंगे लोग, थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा उसमें। अच्छा, तो अब ये हड़ताल है तो क्या मानना आपको, इनको हड़ताल करना चाहिए बंद करना चाहिए? नहीं, वो उनका कानून उनका नियम वो अपने हिसाब से पूरा कर रहे हैं, उसमें अपन को कुछ नहीं करना चाहिए, जो चल रहा है तो चलने दो। ऐसा मतलब मानते हैं कि सरकार का निर्णय सही था? हाँ। कहाँ से हैं आप? जी मैं यहीं देवास से हूँ। क्या नाम है आपका? सचिन यादव। कहाँ जा रहे थे अभी? अभी उज्जैन जा रहा था।